हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम सीखेंगे कि कैसे बनाएं बहुत ही डिलीशियस एकदम क्रीमी सी पालक पनीर। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे फ्रेश कट किए हुए पालक के पत्ते। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, फिर छोटे छोटे से आप कट कर लीजिए इसे, और फिर हम इसे पैन में डाल देंगे। अब डालकर इसके ऊपर हल्का सा हम नमक डालेंगे और इसे बिना ढके हुए अब हम 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। 5 मिनट में पत्ते अच्छी तरह से गल जाएंगे। इसे ढकना नहीं है वरना पालक का रंग काला पड़ जाएगा। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड रख देंगे और पेस्ट बनाएंगे फिर जब ये ठंडी हो जाएगी। अब फिर से पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे सरसों का तेल, फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और जीरा को हल्का सा चटकने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे कट किए हुए लहसुन। लहसुन छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, फिर हम इसमें डाल देंगे। अब इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2 मिनट जब ये फ्राई हो जाएंगे तब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच से कट किए हुए अदरक और फिर से इसे 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब लहसुन क्रिस्पी ब्राउन हो गए हैं तो इसमें डालेंगे एक बड़ा प्याज कट किया हुआ। इसे भी फाइन कट कर लेना है प्याज को, फिर इसमें डाल देंगे। हल्का सा नमक डालेंगे और इसे सॉफ्ट पिंक होने तक हम फ्राई करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा प्याज ऑलमोस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तब हम इसमें डालेंगे कट किए हुए टमाटर। एक टमाटर लिया है मैंने यहाँ पर। अब टमाटर को करीब 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे कट की हुई हरी मिर्च और फिर से इसे 1 मिनट फ्राई करें। इसके बाद इसमें डालेंगे एकदम ज़रा सा हल्दी पाउडर, ज़रा सा गरम मसाला पाउडर और करीब 1 लैडर भरकर यहाँ पर क्रीम और दूध डालेंगे। साथ में दूध में जो मलाई होती है उसके साथ ही हम इसमें 1 लैडर भरकर डाल देंगे या हाफ कटोरी, और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। 2 मिनट फ्राई करने के बाद आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से गाढ़े हो चुके हैं। तब हम इसमें डाल देंगे पालक का पेस्ट। पालक के ठंडे होने के बाद इसे जार में डालना है और स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है बिना पानी डाले। ज़रूरत हो तो ज़रा सा पानी आप डाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पालक का कलर बहुत अच्छा आया है। कभी भी पालक को पकाते समय आप जब उसे स्टीम करें तो इसे ढके ना, इससे इसका कलर चला जाता है और फिर पालक का कलर थोड़ा ब्लैक जैसा हो जाता है जो कि दिखने में नहीं अच्छे लगते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा हमेशा इसे ओपन पैन में ही स्टीम करने के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स। पनीर के क्यूब्स डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक हम फिर से पकाएंगे ताकि पनीर और पालक का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि पालक में बहुत कम नमक पड़ते हैं और 2 बार ऑलरेडी हमने नमक डाल चुका है, तो इसमें आप नमक टेस्ट करें तभी डालें वरना नमक तेज हो सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी डिलीशियस से क्रीमी पालक पनीर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसे आप रोटी, पूड़ी या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से मेरी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।